नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई, क्योंकि फेडरल रिजर्व रेट हाइक के फैसले ने रिस्की एसेट के लिए निवेशकों की चाह को कम कर दिया। ऐसे में बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन और दूसरे प्रमुख क्रिप्टो करेंसी अपने वैल्यू से 2-4% के बीच नीचे आते हुए देखे गए। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 848.44 बिलियन डॉलर है, जो पिछले दिन से 2.17% कम है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 35.9 बिलियन डॉलर है, जो 19.83% की कमी को पेश करती है। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में 1.89 बिलियन डॉलर है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर्स के वॉल्यूम का 5.26% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब 33.22 बिलियन डॉलर है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का 92.52% है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.22% की गिरावट के साथ 17,410 डॉलर्स पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2.73% नीचे जाते हुए 1,270 डॉलर्स के आसपास देखा गया। थ्री वर्स का IC15 इंडेक्स 25,555 पॉइंट्स के साथ 2.24% पर ट्रेड कर रहा है। FTX अपनी सब्सिडरीज से छुटकारा पाना चाहता है, इससे पहले कि वे एसोसिएशन के जरिए वैल्यू खो दे, क्योंकि इसका ब्रांड बहुत टॉक्सिक है। कंपनी के नए लीडरशिप ने अगले साल की शुरुआत में फेल्ड क्रिप्टो एम्पायर के बिजनेस के कुछ पार्ट्स को बेचने की अनुमति के लिए एक फेडरल बैंक्रप्सी जज से पूछा, जबकि FTX की सब्सिडरीज अभी भी वैल्यूएबल है। FTX को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स ने डिजिटल करेंसी डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म लेजर एक्स, स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस एम्बेड, साथ ही FTX जापान और FTX यूरोप के लिए ऑक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया है। जैसा कि पेरेंट कंपनी FTX और इसके क्लोजली लिंक्ड इन्वेस्टमेंट फंड अल्मीडा रिसर्च को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, लेजर एक्स, जिसे FTX ने पिछले साल अक्वायर किया था, जिसको कॉर्पोरेट फैमिली के कुछ पार्ट्स में से एक माना जाता था, जो तरल बने रहे हैं। रैप्ड बिटकॉइन के कस्टोडियन बिटको ने अल्मीडा रिसर्च के पॉकेट डील के माध्यम से 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कीमत के साथ विड्रॉल्स के प्रयासों से इनकार किया है। ट्विटर स्पेस की चर्चा के दौरान बिटको के CEO माइक बेल्शी ने दावा किया कि अल्मीडा के विड्रॉल रिक्वेस्ट में इस्तेमाल किए गए सिक्योरिटी डिटेल्स प्रोसेस से मैच नहीं होते। एथरस्कैन के आंकड़ों के अनुसार 9 नवंबर को 3000 WBTC टोकन वापस लेने के दो प्रयास किए गए थे। प्रयासों में अल्मीडा रिसर्च एड्रेसेस का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में CEO ने समझाया कि जब उनकी कंपनी इन सिक्योरिटी इश्यूज पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, अल्मीडा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और सब कुछ रुक गया। लॉ मेकर द्वारा आने वाले यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के साथ देश के कानूनों को रेखांकित करने के प्रस्ताव के बाद फ्रांस को क्रिप्टो फर्म्स को देश में संचालित करने के लिए फुल लाइसेंस हासिल करने की जरूरत हो सकती है। हार्वी मुरे, एक सेनेटर जो फाइनेंस कमीशन में है, ने 13 दिसंबर को एक अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया है, जो उस ग्रेस पीरियड को समाप्त कर देगा जिसे फ्रांस वर्तमान में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म तक एक्सटेंड करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में नियम क्रिप्टो फर्म्स को 2026 तक फुल लाइसेंस के बिना देश में काम करने की अनुमति देते हैं। वही नया प्रस्ताव, जिसे इस हफ्ते सेनेट द्वारा अप्रूव किया गया था और अगले वर्ष फ्रेंच पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए फर्म्स को अगले वर्ष अक्टूबर से शुरू होने वाले फाइनेंशियल रेगुलेटर से फुल लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होगी। फ्रांस की मौजूदा 2-tier सिस्टम कंपनियों को क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर करने के लिए मैंडेट करती है, लेकिन फिर उन्हें फुल लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प देती है, जिसके लिए हाई लेवल के डिस्क्लोजर की जरूरत है। LGU+ ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए मेटावर्स सर्विस बनाने के लिए मेगाजोन क्लाउड कंपनी और गेम डेवलपर गाला लैब के साथ सहयोग किया है। LGU+ के अनुसार इसे अगले साल की शुरुआत में पेश करने का लक्ष्य होगा। कंपनियां डाउनलोड किए गए ऐप के बजाय स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से सर्विस प्रदान करने की योजना बना रही है, और इसमें ऑनलाइन क्लासेस, लाइब्रेरी और कंसल्टेशन जैसी एजुकेशनल फीचर्स शामिल होंगे। ये सर्विस दूसरे स्कूल के लिए भी तैयार की जाएगी, जिसमें सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ छात्रों और फैकल्टी की ही पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी न्यूज एजेंसी द रजिस्टर के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कस्टमर्स और क्लाउड्स की बेहतर सुरक्षा के लिए चुपचाप अपनी ऑनलाइन सेवाओं से क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सेवाओं की यूनिवर्सल लाइसेंस टर्म्स के हिस्से के रूप में नए प्रतिबंध जोड़े गए थे। 1 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी को ये बताने के लिए अपडेट किया कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रायर अप्रूवल के बिना माइनिंग क्रिप्टो करेंसी प्रोहिबिटेड है।
माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी सेक्शन में कहा कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज में से किसी का इस्तेमाल करने से पहले अब यूजर्स को कंपनी से रिटन प्री अप्रूवल प्राप्त करने की जरूरत है। CSOP एसेट मैनेजमेंट के क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 16 दिसंबर को लिस्टिंग होने से पहले इन्वेस्टमेंट्स में $73.6 मिलियन जुटाए हैं। ETF इश्यूअर ने एक घोषणा में कहा कि उनके CSOP बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में $53.8 मिलियन मिले हैं, जबकि CSOP ईथर फ्यूचर्स ETF को $19.7 मिलियन मिले हैं। इस तरह से एसेट प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए दोनों ETF शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में लिस्टेड बिटकॉइन फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने में कामयाब होंगे। बॉर्न टू ग्लोबल सेंटर के मेंबर डीप ब्रेन AI और हावी मंडल ने AI हावी बनाने के लिए हाथ मिलाया है, जो फेमस कॉमेडियन, एक्टर, होस्ट और टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट की पूरी तरह से इंटरैक्टिव वर्चुअल ह्यूमन AI रेप्लिका है। हावी मल्ल ने कहा, मैं इक्वली थ्रिल्ड, एक्साइटेड और टेरिफाइड हूँ कि मैं फाइनली कहीं भी जाए और कुछ भी किए बिना चीजों को दिखाने और करने की एबिलिटी रखता हूँ। थैंक यू डीप ब्रेन AI। डीप ब्रेन AI के AI स्टूडियोज और AI ह्यूमन प्लेटफॉर्म्स हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल ह्यूमंस बनाने के लिए डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेसी फोकस्ड Web3 फर्म Aztec Network ने Web3 इन्वेस्टमेंट फर्म एंडरसन हॉरोविट्स के लीड में सीरीज बी फंडिंग में $100 मिलियन जुटाए हैं। Aztec का एम ज्यादा प्राइवेसी ऐड करने और कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी को कम करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन को पूरी तरह से इंक्रिप्ट करना है। फर्म इंक्रिप्टेड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेश रेज का इस्तेमाल करेगी, जो व्यक्तियों को आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज किए बिना ब्लॉकचेन का सही ढंग से इस्तेमाल करने देती है। इसके अलावा Aztec 40 लोगों की अपनी मौजूदा टीम को दुगना करने का इरादा रखती है। मैजिक ईडन सोलाना का सबसे बड़ा NFT प्लेटफॉर्म अब पॉलीगॉन NFT मिंटिंग और ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है। नया सपोर्ट मैजिक ईडन पर ज्यादा ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स के लिए एक फ्रेमवर्क की अनुमति देगा, जिसमें नए गेमिंग ब्रांड शैटरपॉइंट और इन्फिनाइट ड्राइव प्लेटफॉर्म में शामिल होंगे, जिसमें टॉन्ट बैटल वर्ल्ड, प्लैनेट मोजो और ककाओ गेम्स को 2023 में शामिल किया जाएगा। ऐसे में मैजिक ईडन के स्पोक्सपर्सन के अनुसार टोटल NFT ट्रेड्स में $2.3 बिलियन के साथ मैजिक ईडन के प्लेटफॉर्म पर 50 से ज्यादा गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।